अभी दो घंटे देरी से हम लोग करेंगे यहाँ नौकरी है, कोई प्राइवेट नौकरी तो है नहीं जो हमें बार बार छुट्टियां मिलती रहे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं जब ना वादा करो मुझसे। बाबूजी समझाइए ना दीदी को। राहुल ठीक कह रहा है बेटी, गाना एक बार। पुलिस वालों को अपना मर्जी से छुट्टी नहीं मिलती है बेटी। अरे बाप रे। हेलो मिस्टर, रामगढ़ जाने के लिए कोई टैक्सी मिलेगी क्या? ये रेलवे स्टेशन है, कोई टैक्सी स्टैंड नहीं, जाकर बाहर पता लगाओ। राहुल तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो बेटा? कहाँ जाना है बेटी? रामगढ़ जाना है बाबूजी। मगर ये बेटी, ये मेरा बेटा राहुल है, बड़ा नटखट, जो पुलिस की नौकरी करने शिलांग जा रहा है। बड़ा ही नटखट है। क्या करूं, आदत से लाचार हूं। क्यों दीदी? सही कहा। अच्छा ठीक है, बताइए टैक्सी कहाँ मिलेगी? अरे बाप रे, मैं बताता हूँ कहाँ मिलेगी जाने वाल। चल मेरे साथ। इडिया जेट बच्चा मेरे सामने से बना। कर मैं तो तुम्हें अब सोचे सामने आओ तुम दो। छोड़ दो कमीने, बचाओ, कोई बचाओ, छोड़ कमीने, इडियट छोड़ दो, बदतमीज कह के छोड़ दो, इडियट हटो। तुम क्या कर रहे हो उस लड़की के साथ? क्यों प्रताप कर रहे हो उसे? छोड़ दो, जाओ तुम। तुम यहाँ से चले जाओ मुझे, वरना तुम्हारी शरीर की सारी हड्डियां तोड़ दूंगा। ये फुंडा कहीं का, तूने मेरे बाबूजी को गाली दिया। साला लफंगा कहीं का चला था गुंडा गति करने। बाबूजी अब मैं चलता हूँ, मेरे गाड़ी का समय हो चुका है। देखो राहुल, अपनी दीदी को मत भूलना। ठीक है दीदी, मैं जरूर आऊंगा। क्या मैं अपनी आबरू बचाने वाले को शुक्रिया कर सकती हूँ?
शुक्रिया, कभी बाद में कर लेना, फिलहाल तो मेरे गाड़ी का समय हो चुका है। बेटे प्रियंका, चलो अब हम लोग घर चले। बेटी तुम भी मेरे साथ चलो मेरे घर। क्यों बाबूजी, आप मुझे अपने घर नहीं ले चलेंगे क्या? क्यों नहीं, क्यों नहीं? अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम तो नैना है। वाह कितना सुंदर नाम है, ये नाम तो राहुल को बहुत पसंद आएगा, क्यों पिताजी? बेटी तुम्हारे माता पिता का क्या नाम है? बाबूजी मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं है। क्या? हाँ तुम्हारे माता पिता नहीं है? हाँ बाबूजी, जब मैं 3 साल की थी उसी वक्त मेरे पिताजी छोड़ के चले गए, फिर 1 साल भी नहीं पूरा हुआ और मेरी माँ भी मुझे छोड़ के चली गई। तो फिर तुम रहते कहाँ हो बेटी? माँ और पिताजी के जाने के बाद मामा जी का ही सहारा मिला, उन्होंने ही पाला पोषा, पढ़ाया लिखा और वही किसी प्रकार का अभाव महसूस नहीं होने दिए। मैं मुंबई स्कॉलरशिप का एग्जाम देने गई थी बाबूजी। अच्छा तुम्हारे मामा जी का क्या नाम है और कहाँ रहते हैं? रामगढ़ से 2 किलोमीटर दूर एक बसंतपुर गांव है, वहीं के मोहन कुमार मेरे मामा जी हैं। अरे मोहन भाई, मैं तो बेटे उनको अच्छी तरह से जानता हूँ, हम लोग एक ही साथ एक ही स्कूल में पढ़ते थे और बहुत अच्छे विचार के थे बेचारे मोहन। अच्छा चलो बेटी, बातों बातों में शाम हो जाएगी और हमारे साथ चले रामगढ़ तक, हम लोग भी चले। हाँ